मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, चलिए नजर डाल लेते हैं प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ एक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने मंत्री के बेटे पर ब्लैकमेलिंग, शारीरिक शोषण और गर्भपात करवाने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही अपने और परिवार के जान का खतरा बताकर पीड़िता ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। बड़ी खबर, राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के बेटे और युवा कांग्रेस नेता रोहित जोशी के खिलाफ एक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने अपने शिकायत में बताया है कि वह फेसबुक के माध्यम से रोहित जोशी के संपर्क में आई थी। 8 जनवरी 2021 को रोहित उसे अपने कुछ दोस्तों के साथ सवाई माधोपुर ले गया। नशीला पेय पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो भी बना ली। मंत्री जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दिल्ली में दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर लिखा गया एक शपथ पत्र भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया में छपी खबर के अनुसार मंत्री के बेटे ने होटल और फार्म हाउस में दुष्कर्म किया और लड़की को धमकी दी, कहा कि भंवरी देवी कांड दोबारा दोहरा दूंगा। दरअसल अब इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई। दूसरी बड़ी खबर, जोधपुर में छठवें दिन इंटरनेट सेवाएं शुरू हो गई है। इंटरनेट सेवाएं उपद्रव के बाद 3 मई अलसुबह को बंद कर दिया था। जालोरी गेट सर्किल पर 3 मई को दो गुटों में झगड़े को लेकर उपजे बवाल के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। आपको बता दूं, जोधपुर में नेट बंदी में भी कई लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। जोधपुर में एक निजी सर्वर का यूज हो रहा था। यह सर्वर कनाडा से ऑपरेट हो रहा था, जिसके चलते इसे बंद नहीं किया जा सकता है। साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप ऐसे किसी भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके निजी डाटा चोरी हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 91 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के मामलों की सबसे अधिक संख्या धौलपुर में रही। अब जयपुर से संक्रमण के मामलों में कमी आई है। आपको बता दूं, प्रदेश में बीते कुछ दिनों से COVID-19 संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान के शहरों में गाय पालने के लिए लाइसेंस का नियम अब लागू नहीं होगा। सीएम गहलोत ने घोषणा की है कि राजस्थान में कहीं भी यह आदेश लागू नहीं होगा। इसके साथ ही गहलोत ने गौशालाओं को इस वित्तीय वर्ष से साल के 9 महीने अनुदान देने की भी घोषणा की है, जबकि पहले 6 महीने अनुदान दिया जाता था। गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए के अनुदान से सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक संगठनों की मदद से गौशालाएं खोलने जा रही है। दरअसल अभी हाल ही में एक परिपत्र निकाला गया था, जिसमें लिखा गया था कि शहरी क्षेत्रों में गाय नहीं रख सकते, उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है। इस परिपत्र में कई ऐसे सारे थे जिन नियमों की पालना होना असंभव था, और इसीलिए गहलोत सरकार ने अब घोषणा की है कि राजस्थान में कहीं पर भी ऐसे आदेश लागू नहीं होंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा बिजली संकट, 4 दिन का ही कोयला बचा है। आने वाले दिनों में 1.52 करोड़ उपभोक्ताओं को पावर कट झेलना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में बिजली की अधिकतम डिमांड 14,500 मेगावाट के पार जा चुकी है, जबकि औसत बिजली उपलब्धता केवल 11,500 मेगावाट ही है। यूनिट की बात करें तो करीब 27 करोड़ यूनिट बिजली प्रदेश में उपलब्ध है, जबकि जरूरत 32.50 करोड़ यूनिट की है। इसीलिए राजस्थान के 1.52 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को पावर कट का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। पश्चिमी विक्षोभ की विदाई के साथ ही राजस्थान में मौसम अब पूर्णतया साफ हो गया है, जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी के साथ सूर्य देव के तेवर आम जन को परेशान करने लगे हैं। बीते 24 घंटों में पारे में 4 से लेकर 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि अब 11 मई तक भीषण लू चलेगी। मौसम केंद्र के अनुसार जोधपुर बीकानेर संभाग में लू चलने के साथ ही तापमान 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान में भीषण गर्मी लोगों को सताती हुई नजर आएगी। वहीं देखिए, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती तूफान असानी को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दे दूं। इस तूफान की रफ्तार तेज हो गई है। इसको देखते हुए ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया है। NDRF समेत ODRF की टीमें वहां पर तैनात कर दी गई है।
फिलहाल यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।